इवनिंग फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो है स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एक बैटरी बनाने वाला कंपनी जिसका नाम है HBL पावर सिस्टम। दोस्तों आगे का जो टाइम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ा बड़ा बैटरी यूज होता है। तो अगर ये कंपनी भी वो प्रोडक्ट बैटरी तो बनाता है, अगर इसको अगर डील मिल जाता है तो ये शेयर फायर हो सकता है। दोस्तों देखिए निफ्टी नीचे गिर रहा है, ये शेयर लेकिन ऊपर जा रहा है, तो अच्छा कंपनी अभी नज़र आ रहा है। अगर आप इस शेयर को बाय करोगे तो ये शेयर आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं 150 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, क्या ये 150 तक जा सकता है वही चीज़ देखेंगे। रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पे भाई न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों मैं जो यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ उसके लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ माइक वगैरह, तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले 5 डे की चार्ट पैटर्न में गिरावट है, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में ए शेयर गया था कहाँ तक, 99 यानी 100 तक गया था। 6 महीने की चार्ट पैटर्न में 45% की एक शानदार रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, कोविड के टाइम में 13 रुपये में मिल रहा था, 13 रुपये से अभी देखिए कहाँ तक आ चुका है। और इस बीच रिटर्न देखेंगे तो करीबन 700% की एक शानदार रिटर्न शेयर होल्डर को मिला है। और 5 ईयर में आप देखोगे 114% की रिटर्न है, मैक्सिमम देखोगे 241% की रिटर्न है। कंपनी जो है 2007 से मार्केट में लिस्टिंग है, 26 रुपया करके, और दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई पे ही अभी चल रहा है। दोस्तों क्या इसको ख़रीदना चाहिए? दोस्तों ज़रूर से ख़रीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, 12% की माल उठाया गया है, 105 हाई है, 41 रुपीज़ लो है। और दोस्तों आप देखोगे 12 फरवरी को रिजल्ट आया था, रिजल्ट ठीक ठाक था, और 2021 से कंपनी डिविडेंड अभी नहीं दे रहा है, प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है, जो कि अच्छा बात नज़र आ रहा है। डिटेल्स में चेक करेंगे ये जो सारे BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप रखा है, 2,459 करोड़ का मार्केट कैप रखा है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से सही है। हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड बहुत ही कम देता है, बुक वैल्यू 31 रुपीज़ है, स्टॉक भी थोड़ा हाई है, ROC देख सकते हो, फेस वैल्यू 1 का है, कर्जा कंपनी के ऊपर 62 करोड़ का है, ठीक है। एसेट रिजर्व रखा है कर्जा से ज़्यादा, अच्छा बात है, एसेट रखा है रिजर्व से ज़्यादा, और 53% की प्रॉफिट में चल रहा है। फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, नेटवर्थ अच्छा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा देता है, यानी यहाँ पर हम लोग को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओनली स्टॉक पी जो है वो थोड़ा हाई है, ड्राई सेल में काम करता है, इस फील्ड का नंबर 1 बैटरी कंपनी नंबर 1 है HBL। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में दोस्तों ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट चेक करोगे प्रॉफिट देखिए 25 से 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ईयर वाइज कारोबार ठीक हुआ है, प्रॉफिट चेक करोगे देखिए 14 करोड़ से 94 करोड़, यानी कंपनी ग्रोइंग मोड में है, और डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा नीचे गिरा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव, CAGR पॉजिटिव, रिटर्न कंपाउंडिंग ग्रोथ भी पॉजिटिव है। अगर आप लोग देखोगे कर्जा को कम कर रहे हैं, अच्छा बात है, रिजर्व को भी ग्रो कर रहे हैं, और दोस्तों एसेट में पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। होल्डिंग देखेंगे, प्रोमोटर यहाँ पर रखे 58, FI देखिए प्रोमोटर यहाँ पर माल बढ़ाता जा रहा है, FI वाले 9.15, DI वाले 9.33, पब्लिक यहाँ पर 22। तो सारा पैरामीटर छानबीन करने के बाद ये जो शेयर है 150 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, अभी आपको 88 रुपीज़ में मिल रहा है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 150 है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।